जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एल नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन दोनों की अपने अपने जीवन में इनकी जो भी आवश्यकताएं होती है, इनकी जो भी जरूरतें होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है एवं ये अपनी जरूरतों के सामने में, अपनी आवश्यकताओं के सामने में किसी और इंसान की आवश्यकताओं को महत्व नहीं देते हैं। वैसे इसके अलावा यदि हम एन नाम वालों की बात करें तो एन नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं एवं ये अपने जीवन के यात्रा में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं। अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं। लेकिन इसके अलावा एन नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा हठीले होते हैं एवं ये अपने जिद के सामने में किसी और इंसान की आवश्यकताओं को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम एल नाम वालों की बात करें तो एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो अपने जीवन के यात्रा में आजाद होना, स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं ये अपने आजादी के साथ में, अपने स्वतंत्रता के साथ में कोई भी समझौता नहीं करते हैं। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में अपने इष्ट देवता का नाम आप अवश्य कमेंट कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।